ओके सो हाय गाइस वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस आपको मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज़ करूँगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइज, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी, इस वाली वीडियो में गाइज आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो गाइज आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। एंड गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइज आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सबको सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आपको ये करना, आपको जाना है इस ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है अपना मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से ही रेज कर रखा है, एंड जिन भाइयों को बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 या 3 वीडियो की लिंक मिल जाएगी उनको, आप उनमें से किसी भी एक वीडियो को देख लेना, आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड कैसे रेज करना है, ठीक है। तो अब गाइस बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पर जब आप अपने मॉडल को यहाँ पर ले लोगे तो गाइस आपको फिर क्या करना है, पहले तो गाइस मैं इसको रेज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कर लिया। तो गाइस आपको क्या करना है, आपका जो मॉडल है गाइस उसका जो साइज़ है आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करना है, यानी कि आपको मतलब कि एक अंदाज़ लगा के देखना है कि आपकी जो हाइट होगी वो आलिया भट्ट से छोटी होगी कि बड़ी होगी, वो आप अपने अंदाजे से आप यहाँ पे आपको पहले मॉडल को लगाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरे को जहाँ तक लगता है हिम्मत भाई की हाइट तो बड़ी ही होगी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हाइट जो हिम्मत भाई की बड़ी रखूँगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस ओपेसिटी कम करना है, एंड आपको ये चेक करना है कि जो आपका हिम्मत भाई मतलब आपका जो मॉडल है वो गाइस आपके जो आलिया भट्ट के बगल में एकदम अटैच हुआ है कि नहीं। देन उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाके इरेजर की हार्डनेस फुल करके आपको फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से जो वेस्ट वाला एरिया है आपको उसको यहाँ पे इजीली इरेज करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ इरेज, एंड आपके का बताता हूँ आपको प्रोसेस। सो गाइस हमने यहाँ पे इसको इरेज कर लिया है, तो अब हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर लेंगे, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको जो है जाना है आपको एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से चले जाना है सैचुरेशन में, आपको इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है, ठीक है। क्योंकि गाइस जो मतलब कि आलिया भट्ट का सैचुरेशन आप देख सकते हैं जो फोटो में है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसके यहाँ पे हाईलाइट भी बढ़ा देंगे, ठीक है। हाईलाइट को जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा इंक्रीज करेंगे, एंड उसके बाद हम नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शेडो वाला जो ऑप्शन है हम इसका शेडो जो है हल्का सा यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है, शेडो को कम करेंगे, एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है हम इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखी गई हमारा जो मॉडल है में थोड़ा सा मतलब कि येलो टोन मतलब ऑरेंज टोन आ चुका है, तो बाकी जो ऑरेंज टोन है गाइज वो हम लाइट रूम ऐप में भी डालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जितना हो रहा है पिक्सआर्ट में उतना कर लेते हैं, तो अभी हम यहाँ पे अपनी फोटो को डन कर लेते हैं। अब गाइज आपको ये करना है, आपको जाना है ऐसे अगेन ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना है आप सभी को विग्नेट का पीएनजी, आपको इसमें क्या करना है, आपको ऐड करने के बाद आपको हमें फुल स्क्रीन करके रख देना है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर देना है, एंड उसके बाद आपको कर देना है डन। फिर इतना जाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे जाना है आपको दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक ब्लैक कलर की शीट, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं, एंड गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है फुल स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज छोटा करना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड जो बीच में जो गाइस लाइन है, ठीक है, इस पर आपको शेडो क्रिएट करनी है। तो हम इसको फटाफट करते हैं। तो गाइज हमारा इतना काम हो चुका है, तो अब क्या करेंगे गाइज, हम जो इसकी ओपेसिटी है वो हम गाइज कम से भी कम रखेंगे, यानी कि अराउंड 20 के आसपास रखेंगे, 20-15 के बीच में, तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इरेजर टूल में जाएंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको इरेज कर लेंगे, एंड यहाँ पे हम डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद इसको कर देंगे हम डन, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइज, आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम ऐप में। तो लाइट रूम ऐप में आपको अपनी फोटो ले जाने के बाद आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइज आपको उसको इंक्रीज करना है, फोटो में जो हाईलाइट दिख रही है गाइज वो आपको इंक्रीज करनी है, ठीक है। एंड जो शेडो है आपको जो है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो वाइट है गाइज वाइट को आप यहाँ पे थोड़ा सा ना कम कर लेना, ठीक है। एंड जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम कर देना, एंड जाना है आपको फिर कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड जो सैचुरेशन है गाइज इसको यहाँ पे आपको जो है कम करना है गाइज, ठीक है, मतलब सैचुरेशन जो आपकी फोटो में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको माइनस करना है, एंड टेम्परेचर जो है इसको भी कम कर देना है।
फिर क्या करना है आपको जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन आपको माइनस करना है एंड जो ल्यूमिनस है वो बढ़ा देना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, आपको इसका ह्यू जो है यहाँ पे इसको माइनस कर देना है एंड जो सेचुरेशन है जिसको प्लस कर देना है। फिर उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको जाना है डार्क ब्लू में। आप देखिएगा जैसे कि हिम्मत भाई की जो पेंट है वो ब्लू है, तो मैं यहाँ पे ब्लू टोन रखूँगा, तो यहाँ पे सेचुरेशन प्लस कर दूँगा। तो उसके बाद आपको डन कर देना है एंड उसके बाद गाइज आपको जाना है ऐसे सेलेक्टिव टूल में एंड यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको ये सर्कल वाला ऑप्शन इसको लेना है एंड उसके बाद आपको अपनी बॉडी के ऊपर कुछ स्टेप से रखना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइज इस कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे सेचुरेशन को जो है आप बढ़ा देना है, क्योंकि गाइज जो है आपको जो आपका जो मॉडल है वो देखना कि आपके जो मतलब कि आलिया भट्ट उसके जो सेचुरेशन है उसके जितना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको सेचुरेशन प्लस करना है एंड जो साइज़ वगैरह वो इंक्रीज़ कर लेना है सर्कल का अपने हिसाब से आपके मॉडल के हिसाब से, देन आपको कर देना है डन, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ से जाना कलर के नीचे वाला टूल में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो की जो क्लियरिटी है आपको यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है उसको एंड जो फ़ोटो में विग्नेट है वो अपने हिसाब से डाल देना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा ग्रीन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना है आपको नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको जो फोटो की शार्पनेस है इनको इंक्रीज़ करना है एंड फोटो में जो नोड रिडक्शन है आपको उसको डालना है एंड कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो हर वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड अगर गाइस यहाँ तक आई गए हो तो आप ये दो साइड में जो वीडियोज़ दिख रही हैं आप इनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके कोई भी एक वीडियो को वॉच करो जब तक। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।